ये कहानी पल्लवी नाम की एक लड़की की है। पल्लवी शीतलापुर नामक गांव में रहती थी। पल्लवी के परिवार में केवल उसकी विधवा माँ थी, जो हमेशा बीमार रहा करती थी। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहता था। अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए पल्लवी लोगों के जूते पॉलिश करने का काम करती थी। एक बार की बात है, गांव में लगातार 3-4 दिनों से बारिश हुई जा रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश की वजह से आजकल पल्लवी का काम बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी उस मूसलाधार बारिश में भी वो रोज अपने काम के लिए निकला करती थी। वो भीगती हुई बस स्टैंड पर जाकर बैठ जाती, जब वहाँ कोई ग्राहक नहीं आता तो रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ जाती। लेकिन बारिश की वजह से किसी को भी जूते पॉलिश करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पल्लवी इन सब चीजों से बहुत परेशान थी। उसका मन बहुत दुखी हो रहा था। वो अपने मन में सोचती है, बस करो भगवान, अब इस बारिश को रोक दो। मेरे जीवन के बारे में आपसे कुछ छुपा तो नहीं है। घर पर मेरी माँ बीमार है, 2 दिन से सिर्फ उबले हुए चावल खाकर गुजारा कर रहे हैं। अगर आप रोज इसी तरह बारिश करते रहेंगे तो मैं अपना काम कैसे करूँगी। पल्लवी दुखी हो जाती है, फिर बस स्टैंड से पैदल ही रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ने लगती है। तभी पल्लवी को एक अंधी औरत दिखाई देती है, जो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। पल्लवी फौरन उस औरत के पास जाती है और कहती है, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मैं आपको रोड क्रॉस करवा देती हूँ। इस बारिश में गाड़ियों की रफ्तार बहुत तेज है। मैं कब से लोगों को कह रही थी बेटा, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, चलो मुझे रोड पार करवा दो। पल्लवी उस अंधी औरत को रोड क्रॉस करवा देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो अंधी औरत कहती है, रुको बेटी। अंधी औरत की ये आवाज सुन पल्लवी हैरान हो जाती है और हैरानी भरी आवाज में कहती है, आपको कैसे पता चला कि मैं जा रही हूँ? मैं अंधी हूँ, बेवकूफ थोड़ी ना हूँ। तुमने मुझसे अपना हाथ छुड़वाया तो जाहिर सी बात है तुम जा ही रही होगी। अच्छा हाँ, वैसे आपने मुझे क्यों रोका? आपको किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताइए। नहीं प्यारी बच्ची, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल कौन रखेगा भला, मैं तो पूरी दुनिया का ख्याल रखती हूँ। मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। कई दिनों से तुम बारिश के मौसम में काम करने बाहर निकलती हो, लेकिन एक भी रुपए की कमाई नहीं कर पाती हो। क्यों, मैं सच कह रही हूँ ना? आप कह तो बिल्कुल ठीक रही है, लेकिन आपने तो कहा था आपको दिखाई नहीं देता, तो फिर आपने मुझे कैसे देखा कि मैं यहाँ रोज आती हूँ? पल्लवी की ये बात सुन वो अंधी औरत हंसने लगती है और अपने हाथों में एक सुनहरे रंग का छाता प्रकट करती है। उसको ऐसा करते देख पल्लवी थोड़ा घबरा जाती है। तब वो अंधी औरत कहती है, तुम रोज बारिश में भीगती हो ना, इसलिए तुम ये सुनहरा छाता अपने पास रख लो, इससे तुम भीगने से बच जाओगी। लेकिन आपने ये जादू कैसे किया? मुझे आपसे डर लग रहा है। आप कौन हो, सच सच बताओ। मैं किसी को दिखाई नहीं देती हूँ। मैं जिसे चाहूँ सिर्फ वही मुझे देख सकता है। जो भी इंसान मुसीबत में होता है मैं उसकी मदद करती हूँ। मुझे तुम भी मुसीबत में दिखाई दी, इसलिए मैंने तुम्हारी भी मदद की। लो ये छाता अपने पास रख लो। पल्लवी उस सुनहरे छाते को ले लेती है। सुनहरे रंग का वो छाता बहुत ही बड़ा था। पल्लवी थोड़ा आगे जाती है, फिर जब वो पीछे मुड़कर उस औरत को देखने लगती है तो वो औरत वहाँ पर थी ही नहीं, वो गायब हो गई थी। अरे वो आंटी कहाँ चली गई? कितनी अच्छी थी वो, मैं तो खामखा उनसे डर रही थी। उन्होंने मेरी मदद की, मुझे ये छाता दे दिया। पल्लवी छाता लेकर तेज बारिश में अपने घर की ओर बढ़ने लगी। तभी चलते चलते उसे बारिश में गरम गरम भजिया वाला दिखता है। भजिया वाले को देखकर पल्लवी के मन में ख्याल आता है, छाते के साथ आज मुझे काम भी मिल जाता तो कितना सही रहता। मैं भी माँ के लिए इस बारिश के मौसम में गरम गरम भजिया लेकर जाती। वो कितने दिनों से बीमार है, उनका कुछ चटपटा खाने का मन करता होगा, लेकिन रोजाना उन्हें उबले हुए चावल खाने को मिलते हैं। ये सोचते सोचते पल्लवी चल ही रही थी कि तभी अपने आप ही उसके हाथों में गर्मा गर्म भजिया का पैकेट आ जाता है। पल्लवी डर के मारे हिल जाती है और भजिया को देखने लगती है। वो सचमुच में गर्मा गर्म भजिया ही थी। भगवान, ये कैसा चमत्कार है,
क्या मेरे आसपास कोई भूत है? तभी उसके छाते में आंख नाक मुंह का चित्र बन जाता है और वो बोलने लगता है, अरे डरो मत पल्लवी, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा जादू ही चाहता हूँ। मैंने ही अपने जादू से तुम्हारे हाथों में गर्मा गर्म भजिया ला दी, तुम जो भी चाहो मुझसे मांग सकती हो। क्या सच में तुम एक जादुई छाते हो? जो भी मैं कहूँगी तुम वो सब करोगे? हाँ पल्लवी, तुम जो कहोगी मैं वो सब करूँगा। पल्लवी इसी तरह छाते से बात करते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे रास्ते में कुछ कुत्ते के पिल्ले भीगते हुए नजर आते हैं। वो छाते से कहती है, अगर तुम कोई भी जादू कर सकते हो तो तुम इन कुत्तों के पिल्लों के लिए घर बना दो। पल्लवी के इतना कहते ही वहाँ पर डॉग हाउस प्रकट हो जाता है और सारे कुत्ते के पिल्ले उसके अंदर चले जाते हैं। ये देखकर पल्लवी बहुत खुश होती है। तभी जादुई छाता उससे कहता है, अरे पल्लवी तुम तो बहुत खुश लग रही हो, लेकिन अपनी खुशी के कारण तुम ये भूल गई हो कि तुमने अभी अभी मुझसे गरम गरम भजिया मांगी थी। घर पर तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, चलो जल्दी से उन्हें गर्मा गर्म भजिया खिलाना है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी, चलो फिर घर चलते हैं। पल्लवी ऐसा बोलती है कि तभी जादुई सुनहरा छाता पल्लवी को उड़ाने लगता है और उसे उड़ाते हुए घर पहुँचा देता है। वो देखती है कि उसके कपड़े बिल्कुल सूखे हैं और उसकी भजिया भी अभी तक गरम गरम थी। घर जाते ही जादुई छाता अपने आप बंद हो जाता है। फिर पल्लवी गरम गरम भजिया अपनी माँ को देती है। गर्मा गर्म भजिया को देखकर उसकी माँ कहती है, अरे ये भजिया कहाँ से ले आई तू? तू कभी किसी चीज की मांग नहीं करती है माँ, जबकि तेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, इसलिए आज मेरा मन किया कि मैं तेरे लिए गर्मा गर्म भजिया लेकर चलूं, इसलिए ले आई। इतना कहकर पल्लवी वो भजिया प्लेट में निकालती है। पल्लवी और उसकी माँ दोनों चटकारे लेकर वो भजिया खाते हैं। तभी अचानक से उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जब पल्लवी दरवाजा खोलकर देखती है तो वो देखती है कि उसकी पड़ोसन चिंता में बाहर खड़ी है। उसे चिंता में देखकर पल्लवी उससे पूछती है, क्या बात है काकी, परेशान लग रही हो, बताओ क्या हुआ? बेटी तुझसे एक मदद चाहिए, इतनी तेज बारिश में मेरा घर टपकने लगा है और तुम्हारे काका भी घर पर नहीं है। क्या तुम बाजार से एक तिरपाल खरीद कर ला सकती हो? मुझे पता है बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं मुन्नी को छोड़कर जा भी नहीं सकती। मैं अभी ले आती हूँ काकी, आप चिंता क्यों करती हो? पल्लवी अपनी जादुई छतरी उठाती है और त्रिपाल लेने मार्केट की तरफ जाने लगती है। तभी जादुई सुनहरा छाता उसे याद दिलाता है, अरे पल्लवी तुम तो बहुत भुलक्कड़ हो, जब तुम्हारे पास जादुई छाता है तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं तुम्हें अभी जादू से एक त्रिपाल दे देता हूँ। तभी पल्लवी के हाथ में एक बहुत बड़ा त्रिपाल आ जाता है। पल्लवी वो त्रिपाल ले जाकर काकी को दे देती है। अरे बेटी तुम तो ये बहुत जल्दी ले आई, एक काम और कर दो, मेरे छत पर फैला दो इसे, थोड़ा ध्यान से करना, अपने आप को चोट मत लगा लेना। काकी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी लगा कर आती हूँ। पल्लवी काकी के छत पर त्रिपाल बिछाकर वापस घर को लौट आती है। घर लौट आने पर उसकी माँ सुनहरे छाते के बारे में उससे पूछती है, माँ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, ये छाता कोई मामूली छाता नहीं है बल्कि एक जादुई छाता है, एक अंधी आंटी ने मेरी मदद के लिए मुझे ये दिया है। क्या कहा तूने, जादुई छाता? पूरी दुनिया में तुझे बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिली हूँ क्या? सच सच बता, ये छाता तुझे कहाँ से मिला? तभी छाता बोलने लगता है, अरे माता जी पल्लवी बिल्कुल सही कह रही है, मैं जादुई बोलने वाला छाता हूँ और मैं पल्लवी की मदद करने इसके पास आया हूँ, आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी पल्लवी एकदम से कहती है, जादुई छाते क्या तुम मेरी माँ की भी बीमारी ठीक कर सकते हो? मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, मुझे इन्हें बीमार देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी तरफ पल्लवी की माँ हैरानी से कभी पल्लवी को तो कभी जादुई छाते को देख रही थी। तभी जादुई छाता पल्लवी की माँ का चक्कर लगाने लगता है। उसके ऐसा करते ही पल्लवी की माँ बिल्कुल स्वस्थ महसूस करने लगती है। बेटी मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बिल्कुल कमजोरी भी नहीं लग रही, तुम तो सच में जादुई छाते हो। अरे यार मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं एक जादुई छाता हूँ।
छाते की ये बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अगले दिन बारिश रुक जाती है। पल्लवी खुशी खुशी छाते को लेकर काम पर चली जाती है और बस स्टॉप पर जाकर अपना सामान रख लेती है और लोगों के जूते पॉलिश करने लगती है। वो बस जूते को छू ही रही थी कि जूता बिल्कुल चमक जा रहा था। इसे देखकर पल्लवी हैरान थी, लेकिन वो सब समझ रही थी कि ये सब जादुई छाते का कमाल है। जल्दी जल्दी पल्लवी सबके बूट पॉलिश कर देती है। तभी वहाँ पर कुछ बदमाश लड़के आ जाते हैं और वो पल्लवी को परेशान करने लगते हैं और उसके पैसों का डब्बा भी उठा लेते हैं। मेरे पैसों का डब्बा मुझे वापस कर दो, मैंने बहुत मेहनत करके वो पैसे कमाए हैं। अब तो ये पैसे तुम्हें नहीं मिलने वाले, इन पैसों से हमारा शाम का चाय नाश्ते का जुगाड़ हो गया है। पल्लवी खड़ी होकर उनसे झगड़ा करने लगती है। तभी एक लड़का पल्लवी को जोर से धक्का दे देता है। पल्लवी को चोट लग जाती है और वो रोने लगती है। तभी जादुई छाता एक डंडे में बदल जाता है और उन सभी लड़कों की खूब पिटाई करता है। पिटाई खाकर वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। तब पल्लवी जादुई छाते से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई छाता, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या होता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, समझी तुम। पल्लवी बहुत खुश होती है। शाम को वो जादुई छाते के साथ घर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। पल्लवी की माँ भी छाते का शुक्रिया अदा करती है। अब वो पूरा परिवार बहुत खुश रहता था। कोई भी छोटी बड़ी चीज जादुई छाता बहुत आसानी से उन्हें दे देता था। जादुई सुनहरे छाते की मदद से वो पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कहानी है दो प्रकार का जादुई लहंगा की। तो आइए दोस्तों कहानी देखते हैं। कानपुर शहर में एक छोटे से किराए के मकान में मनोज और सुनीता अपनी बेटी साक्षी और सिमरन के साथ रहते थे। साक्षी उनकी बड़ी बेटी थी और सिमरन उनकी छोटी बेटी थी। मनोज और सुनीता एक बिल्डर के पास ईटा ढोने का काम करते थे और उसी से किसी तरह उनके घर का गुजारा चलता था। एक बार की बात है, मनोज और सुनीता साइट पर काम कर रहे थे कि तभी बिजली का हाई वोल्टेज तार उनके ऊपर गिर जाता है और उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। माता पिता के गुजर जाने के बाद साक्षी और सिमरन दोनों अनाथ हो जाती है। साक्षी और सिमरन बहुत रोती है। सिमरन साक्षी से कहती है, दीदी, माँ और पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? बताओ ना दीदी, वो कहाँ चले गए? सिमरन, रोते नहीं, मैं हूँ ना। हमारे माता पिता हमें छोड़कर कहीं नहीं गए, वो आसमान में तारा बनकर हमें वहाँ से देख रहे हैं। अब चलो, चुप हो जाओ। माँ को पता चला कि उनकी लाडली रो रही है तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। चलो अब खाना खा लो। साक्षी और सिमरन दोनों खाना खाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर उनकी मकान मालकिन आती है और उनसे कहती है, बहुत हो गया तुम दोनों का। मेरा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है। जो तुम आराम से इस घर में रह रही हो, 2 महीने से ज्यादा हो गया है और अभी तक तुमने किराया नहीं दिया। चलो निकलो मेरे घर से और कहीं और जाकर रहो, समझी? मालकिन, हमें घर से मत निकालिए। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हम पर तरस खाइए मालकिन। मैं अभी तक तुम पर तरस ही खा रही थी जो तुम दोनों बहनों को फ्री में यहाँ रहने दिया, लेकिन अब और नहीं। जल्दी मेरा घर खाली करो। दोनों बहनें वहाँ से रोते रोते निकल जाती है। दोनों बहनों को चलते चलते सुबह से शाम हो जाता है और वो दोनों एक पेड़ के नीचे थक कर सो जाती है। अगले दिन सिमरन साक्षी से कहती है, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख के मारे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो दीदी। थोड़ी देर और रुको मेरी बहन, मैं देखती हूँ शायद कुछ खाने को मिल जाए। दोनों आगे बढ़ती है। तभी साक्षी देखती है कि वहाँ कुछ मजदूर बोरियाँ ढो रहे थे। साक्षी वहाँ जाती है और वहाँ के मालिक से बोलती है, अंकल जी, मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? कोई भी काम हो मैं सब कर लूँगी, मेरी बहन बहुत भूखी है, प्लीज अंकल जी। वो मालिक उनको देखकर बोलता है, बेटा, आप लोग अभी बहुत छोटे हो, आप ये काम नहीं कर पाओगे। ये बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। ये लो 100 रुपए, रख लो, तुम दोनों कुछ खा लेना और अब घर जाओ। नहीं अंकल जी, मुझे बिना मेहनत के आपसे पैसे नहीं चाहिए। ये तो भीख मांगना हुआ ना।
मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मेहनत से ही कमा कर खाना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, शाम तक काम करने के 200 रुपए मजदूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी, आपने मुझे काम दिया। सिमरन तुम थोड़ी देर उस पेड़ के पास बैठो, मैं जल्दी से काम खत्म करके फिर मैं तुम्हें बहुत ही बढ़िया बढ़िया खाना खिलाऊंगी, ठीक है? साक्षी सिमरन को पेड़ के पास बैठाकर बोरियां ढोने का काम करने लगती है। पूरे दिन के कठिन मेहनत के बाद साक्षी को शाम को 200 रुपए मिलते हैं। तो सबसे पहले साक्षी एक ढाबे में जाती है और वहाँ रोटी सब्जी खरीदती है। दोनों बहनें बैठकर खाना खाती है। सिमरन साक्षी से कहती है, दीदी पहले आप खाइए, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, आप खाओ तभी मैं खाऊंगी। और फिर दोनों बहनें खाना खाती है। रात होने वाली थी और दोनों बहनों के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। तभी साक्षी और सिमरन बस पकड़कर अपने मामा के पास जाती है और मामा को सारी बात बताती है। ये सब बात सुनकर साक्षी के मामा संदीप कहते हैं, इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया नहीं, और अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गई। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम दोनों यहीं रहोगी, चलो अब थोड़ी देर आराम कर लो। तभी साक्षी की मामी सावित्री संदीप से गुस्से में कहती है, देखो जी हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर यहाँ रहने चले आएगा। वैसे भी ये घर मेरे भाई के दिए हुए पैसों से खरीदा गया है, खुद की बेटियों को तो कमा कर खिलाने की औकात नहीं है तुम्हारी, और ऊपर से इन अनाथ बच्चियों को मेरे छाती पर लाकर बैठा दिए हो। देखो अभी के अभी इन्हें घर से बाहर निकालो, वरना मैं अपने बच्चों को लेकर हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। सावित्री ये कैसी बातें कर रही हो तुम, रात के अंधेरे में इन दोनों बच्चियों को कैसे और कहाँ भेज दूँ, सुबह होने दो फिर मैं इनका कोई बंदोबस्त करवा देता हूँ। साक्षी और सिमरन संदीप और सावित्री की बात सुन लेते हैं और रोते हुए वहाँ से चुपचाप चली जाती है। चलते चलते दोनों बहनें थक जाती है तो वो दोनों एक पत्थर पर बैठ जाती है। सिमरन साक्षी से बोलती है, अब क्या होगा दीदी, अब क्या करेंगे हम और कहाँ जाएंगे, एक ही सहारा बचा था अब वो भी नहीं रहा। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सिमरन, काश हमारे माता पिता जिंदा होते तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। पर दीदी आपने तो कहा था कि हमारे माता पिता आसमान में तारा बनकर हमें देख रहे हैं, क्या वो इस वक्त भी हमें देख रहे हैं? सिमरन की मासूमियत भरे सवाल सुनकर साक्षी की आंखों में आंसू आ जाता है और साक्षी रोते हुए बोलती है, हाँ सिमरन वो हमें देख रहे होंगे। माँ पापा अगर आप हमें देख रहे हो तो हमारी मदद क्यों नहीं करते, देखो हम कितने परेशानी में हैं, दीदी भी बहुत दुखी है, मम्मी पापा आप हमें भी अपने पास बुला लो, मैं भी आपके साथ आसमान में तारा बनना चाहती हूँ। सिमरन की बातें सुनकर साक्षी जोरों से रोने लगती है और कहती है, माँ अब मेरे पास हिम्मत नहीं रही, मुझे माफ कर दो माँ, मैं सिमरन का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ और ना ही कुछ कर पा रही हूँ, माँ प्लीज आप हमें कोई रास्ता दिखाइए ना। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है, वो साक्षी और सिमरन से कहती है, साक्षी और सिमरन मैं खुशबू परी हूँ और मैं परी लोक से आई हूँ, मुझे तुम्हारी माँ ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। क्या सच में? हाँ सच में मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। परी जी मेरे माता पिता कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? हाँ वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, बस उन्हें तुम दोनों की चिंता सताती रहती है, इसलिए आज उन्होंने मुझे तुम्हारे पास तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ? दोनों बहनें परी को अपनी सारी परेशानी बताती है। साक्षी परी से कहती है, परी जी हमारे पास सिर छुपाने के लिए छत भी नहीं है और ना ही खाना खाने के लिए पैसे हैं। अब आप ही बताइए परी जी मैं क्या करूं, कहां जाऊं और किससे मदद मांगूं? साक्षी तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आज से तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। ये लो ये जादुई दो पीले लहंगे हैं, एक लहंगा साक्षी के लिए है और दूसरा लहंगा सिमरन के लिए है। साक्षी इस लहंगे को पहनकर तुम जो भी मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा, और सिमरन तुम्हारे लहंगे से तुम जितने भी सोने चांदी रुपया पैसा मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर खुशबू परी वहाँ से गायब हो जाती है। साक्षी जल्दी से अपना लहंगा पहनकर जादुई पीला लहंगे से बोलती है, हे जादुई पीले लहंगे मुझे घर दिला दो। साक्षी के इतना बोलते ही उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत
आलीशान घर बनकर तैयार हो जाता है और इस तरह से वो अपने जादुई पीले लहंगे से घर के जरूरत की सारा सामान मांगती है और उसे जादुई पीले लहंगे से सब कुछ मिल जाता है। सिमरन अपने फ्रॉक से बहुत सारा धन पैसा मांगती है जिससे वो दोनों बहुत ही जल्दी अमीर हो जाती है। अब साक्षी और सिमरन के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उन्हें जब भी जिस चीज की जरूरत होती तो वो उस जादुई लहंगे से मांग लेती थी। वो दोनों अपने साथ साथ गरीब व जरूरतमंद लोगों की बहुत मदद करने लगी। सभी लोग अब साक्षी और सिमरन की बहुत इज्जत करने लगे। धीरे धीरे ये बात साक्षी की मामी सावित्री को पता चलती है तो वो सिमरन और साक्षी से मिलने के लिए उनके घर आती है। सावित्री को देखकर साक्षी बोलती है, अरे मामी आप आइए आइए अंदर आइए। साक्षी और सिमरन बेटा मुझे माफ कर दो, उस दिन मेरे मुंह से यूं ही अनाप शनाप निकल गया था। तुम्हें ऐसे बिना बताए घर से नहीं जाना चाहिए था। मैंने तुम्हारे जाने के बाद तुम दोनों बहनों को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर तुम दोनों हमें कहीं नहीं मिली। मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ कर देना बेटा, पुरानी बातें भूल जाओ, आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना। कोई बात नहीं मामी जी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, इसे अपना ही घर समझो, चलिए खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद साक्षी और सिमरन के सो जाने पर उसकी मामी चुपके से उठकर साक्षी के कमरे में जाती है, उन दोनों का जादुई पीला लहंगा चुरा लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके सर पर डंडों की बारिश होने लगती है। वो चिल्लाने लगती है, हाय ये क्या हो रहा है, अरे मैं मर गई, रोको कोई, रोको इसे, अरे कोई तो बचाओ, बचाओ मुझे, हे भगवान किसी को तो भेजो मुझे बचाने के लिए। तभी सावित्री की रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर साक्षी और सिमरन वहाँ आ जाती है। साक्षी कहती है, अरे मामी ये क्या हो रहा है और आप इतना चिल्ला और रो क्यों रही हैं? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं लालच में आकर तुम्हारा जादुई पीला लहंगा चुरा कर भाग रही थी, इसके बाद मेरी ये हालत हो गई। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ बेटा, इस डंडे को रोक लो वरना तेरी मामी आज ही मर जाएगी, रोक लो बेटा। जादुई लहंगे मेरी मामी को माफ कर दो और उन्हें डंडे से मत मारो, उन्हें छोड़ दो। साक्षी के इतना बोलते ही डंडा रुक जाता है और उनकी मामी उल्टे पैर वहाँ से भाग जाती है और वो कभी लौटकर उनके पास उन्हें परेशान करने नहीं आती। सिमरन और साक्षी अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी ही मजेदार कहानियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।